हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ओप्पो F21 प्रो मोबाइल के बारे में। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा रियल टाइम नेटवर्क स्पीड एंड डेली डाटा यूज नोटिफिकेशन कैसे ऑन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस मोबाइल में नेटवर्क डाटा स्पीड एंड नोटिफिकेशन बार को ऑन करना तो ये वीडियो शुरू से एंड तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो गाइस, इसको ऑन करने के लिए हमें अपने मोबाइल के सेटिंग में आना होगा। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों देख सकते हैं तीसरे नंबर पे डिस्प्ले डाटा जो एप्लीकेशन लिखा हुआ है, तो ये अभी हमारा बंद है। मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जो 4G लिखा हुआ है, जियो 4G, यहाँ पर अभी शो करेगा मेरा डेली डाटा। तो अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। अभी मैं स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा डेली डाटा का शो कर रहा है कितना मेरा डेली डाटा यूज होता है। तो अभी मैं इसको ऑन करने के बाद आपको अब शो करना है रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसको आपको सिंपल दोस्तों ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद अब देखते हैं ऊपर हमारा डाटा जो टावर जो दिया हुआ है उसके बगल में 0 KB शो कर रहा है। तो जब भी आप यूट्यूब या फेसबुक कुछ भी अगर ऑन करते हैं, उसे चालू करते हैं, तो आपके टावर के बगल में शो हो जाएगा कि आपका कितना स्पीड डाटा चल रहा है, KB में चल रहा है या फिर MB में चल रहा है। तो यही दो सेटिंग थी जो मैं आज आप लोग में बताया हूं। आशा करता हूं वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। ऐसी जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी वाले बटन को दबाइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।